అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ చట్ట సవరణ బిల్లును లోక్సభ ఆమోదించింది. బిల్లుపై చర్చకు సమాధానమిచ్చిన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అర్బన్ మావోయిజాన్ని ఉపేక్షించేది లేదన్నారు. దేశంలో ఎందరో సామాజిక సేవలో ఉన్నారని, వారెవరినీ పోలీసులు వేధించడం లేదన్నారు. అయితే అర్బన్ మావోయిస్టుపై మాత్రం తమకు సానుభూతి లేదన్నారు. ఒక వ్యక్తిని ఉగ్రవాదిగా గుర్తించాలంటే అనేక ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయని అమిత్ షా చెప్పారు. నాడు కాంగ్రెస్ చేసింది కరెక్ట్ అయితే ఇవాళ తాము చేస్తోంది కూడా కరెక్టేనన్నారు అమిత్ షా. అయితే అమిత్ షా వ్యాఖ్యలపై నిరసన తెలిపిన కాంగ్రెస్ సభ నుంచి వాకౌట్ చేసింది. हम चाहते हैं कि हमारे सारे ये जो जो टेररिस्ट के खिलाफ जो सारे कानून हम लाते हैं ये यहां से नहीं, पार्लियामेंटरी जो स्टैंडिंग कमेटी जो हाँ हमारे सदन के अंग होते हैं, सिलेक्ट कमेटी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी, इसमें भेजकर फौरन इसको स्क्रूटिनी होना चाहिए, एग्जामिन होना चाहिए, उसके बाद ये सामने लाइए, हम सब इनका समर्थन करेंगे. अगर नहीं तो इस तरीके की आप माने आप जवाब भी सुनकर जाएं, मान्य सदस्य आप जवाब भी सुने, आप जवाब सुने, जवाब सुने, जवाब सुने, माने सुने, जवाब सुने. अरे जवाब तो सुनो, जवाब तो सुनो. माननीय अध्यक्ष महोदय, 1967 में आया तब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इंदिरा जी प्रधानमंत्री. सबसे पहला अमेंडमेंट कब आया? सबसे पहला अमेंडमेंट 2004 के अंत में आया, जब भी यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री. दूसरा अमेंडमेंट कब आया? 2008 में आया. 2008 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे. तीसरा अमेंडमेंट कब आया? 2013 में आया. 2013 में आया तब भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी. अब जब आप सवाल उठाते हो उस वक्त ये देखते नहीं हो कि भाई कानून कौन लेकर आया, अमेंडमेंट कौन लेकर आया, किसने कानून को कठिन किया. अभी प्रेमचंद्रन जी पूरे मुद्दे उठा रहे हैं, ये सारे मुद्दे प्रेमचंद्रन जी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं, उसी वक्त लाए गए थे, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर का मामला, मैं एक एक कर सब जवाब दूंगा, या कोई भी मामला हो वो जब आप सत्ता में थे तभी लाए गए थे. मैं मानता हूं उस वक्त भी आपने सही किया था और मैं आज जो करने जा रहा हूं वो भी सही किया, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कौन सरकार लड़ती है, कौन सरकार, कौन पार्टी सत्ता में है, इसके आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए. तत्वतः आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है या नहीं लड़ना है वो पूरे सदन की एक मानसिकता बननी चाहिए, पूरे सदन की एक आवाज बननी चाहिए, पूरे सदन का एक मत बनना चाहिए. माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार की प्राथमिक फर्ज है कि आतंकवाद को समूल नष्ट किया और इसलिए आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान की बहुत जरूरत है. और अभी यूएन ने करा है, यूएन के अंदर तो ये प्रोसीजर है ही, मगर अमेरिका में भी है. ये तो ह्यूमन राइट के चैंपियन मानते हैं, कोर्ट करते हैं इनकी रिपोर्ट्स को सब. पाकिस्तान में भी है, मैं आपके माध्यम से ओबीसी साहब और सबको जो डर लगता है उनको कहता हूं, पाकिस्तान जैसे राज्य ने कर दिया है.